हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सोल्डिंग आयरन जो है ये सबसे सस्ता सोल्डिंग आयरन है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है ये। इसमें यहाँ पे नॉब लगी है, आप 200 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो है इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको खोल के देखने वाले हैं कि इसके अंदर का सर्किट बोर्ड और एलिमेंट जो है सारा कुछ हम देख पाएंगे। इसमें सिरेमिक एलिमेंट दिया है, 60 वाट का सोल्डिंग आयरन, और ये आप सोचिए कि ये 5 सेकंड 10 सेकंड में अपने टेम्परेचर जो इसका आप सेट कर देंगे उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। तो इस सोल्डिंग आयरन को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसको परचेस कर पाएंगे। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस 450 के भी नीचे है, 450 के नीचे है। मैं दो इसके जो वेरियंट है 60 वाट के, उनके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लेना चाहें तो ले पाएंगे वहां से। और अगर आप परेशान हैं, इस तरह के सोल्डिंग आयरन आपके पास है और आप उससे रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं आसानी से, बड़े जहां पे पॉइंट्स होते हैं जहां पे ज्यादा सोल्डर लगा होता है उनको आप मेल्ट नहीं कर पाते, तो ये सोल्डिंग आयरन आपके लिए काफी यूजफुल होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, इसके अंदर का सर्किट बोर्ड और सारा कुछ, जिससे कि हम इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये हमें इस तरीके से इसका जो ये बेड को टाइट करने के लिए ये एक पॉइंट दिया है, इसको हमें निकाल देना होता है। इसके बाद आप देखेंगे इसकी ये बेड है, यहां पे इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया है। इसके बाद ये जो इसकी सिलिकॉन रबड़ है, इसको हम इस तरीके से बैक साइड में फ्लिप कर देंगे। यहां पे इसको अनस्क्रू करना है इसका हेड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे इसको मैंने अनस्क्रू कर दिया है। इसके बाद यहां पे आपको इसकी जो ये टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है, इसको आपको धीरे से निकाल लेना है इस तरीके से। और इसके बाद ये पूरा सर्किट बोर्ड और हमारा इसका एलिमेंट पूरा बाहर आ जाता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पे एक पावर मॉस्फेट दिया हुआ है, कुछ एसएमडी कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे एसएमडी रेजिस्टेंस 3 लगी हुई है, एक ये कैपेसिटर दिया हुआ है एसएमडी, यहाँ पे एक एसएमडी जेनर डायोड लगा हुआ है, और एक ये हमारा जो इसमें एलईडी इंडिकेटर है, ये एलईडी इंडिकेटर, और यहाँ पे एक प्रीसेट है जो कि हमारा टेम्परेचर को सेटिंग करने के लिए है। यहाँ पे प्रीसेट के द्वारा हम इसकी जो पावर मॉस्फेट है, इसकी पावर मॉस्फेट की स्विचिंग जो है कम ज्यादा करके इसका टेम्परेचर जो है सेट कर पाते हैं। यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट जो है, इसमें खासियत है कि ये हमारा सिरेमिक है, तो ये ईएचडी सेफ होगा, इसमें हमें बिल्कुल भी कहीं से करंट वगैरह लगने का डर नहीं रहेगा, और कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो ईएचडी सेफ रहेगा, वो खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका सर्किट बोर्ड है और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो ये जो है इसको हम इस तरीके से प्लेस कर देते हैं दोबारा से, और फिर हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इसका जो टेम्परेचर वगैरह है वो हम देख पाएंगे। तो यहां पे इतना इसके बाद सेट करने के बाद हमें नॉब लगानी होती है। सबसे पहले इसकी नॉब हम लगा लेते हैं, इसके बाद हमें इसके जो सारे पार्ट्स हैं उनको टाइट करना होता है। इसको हम इस तरीके से स्क्रू कर देते हैं, इसके बाद ये इसकी जो सिलिकॉन रबड़ है इसको हमने मोल्ड कर दिया है। यहां पे ये स्लीव जो है ये हमें पहले लगानी होती है, फिर बिड हमें लगानी होती है, और इसके बाद इसका जो बिड टाइट करने के लिए ये होल्डर है इसको हमें लगाना होता है। तो इस तरीके से हमने इसको दोबारा से स्क्रू कर लिया है। यहां पे इसको अब हम टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये बहुत जल्दी अपने जो भी आप टेम्परेचर सेट करेंगे उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। तो यहां पे इसमें काफी लंबी ये केबल है, इसकी जो कनेक्शन केबल है अबाउट 1.5 मीटर की है। यहां पे मैंने इसको स्क्रू किया है, आप देखेंगे इसमें एक एलईडी इंडिकेटर जो है वो ग्लो करने लगा है। यहां पे हम इसका टेम्परेचर जो है कम ज्यादा सेट कर पाते हैं, यहां पे इस तरीके से मिनिमम टेम्परेचर और ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर। यहां पे इसका जो टेम्परेचर है अगर मैक्स करते हैं हम तो अबाउट 5 से 10 सेकंड में ये अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, इसके बाद हम कुछ भी चीज जो है उसको मेल्ट कर पाते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले सोल्डर जो है इसको मेल्ट करके देख लेते हैं। और जो हमारे नॉर्मल सोल्डिंग आयरन होते हैं उनको काफी टाइम लगता है अपने टेम्परेचर पीक टेम्परेचर पे आने पे, जबकि इसको ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अपने पीक टेम्परेचर पे तुरंत आ जाता है। और इससे इस तरह के जो ज्यादा बड़े कनेक्टर्स होते हैं इनको भी आप डिसोल्ड कर पाएंगे आसानी से, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। जैसे ये हमारा है तो इसको हमें डिसोल्ड करना है, आप देखेंगे कि ये कितनी जल्दी मेल्ट हो गया, यहां पे भी ये पूरा मेल्ट है, और इस तरीके से आप देखेंगे कि बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं हमारे कनेक्टर्स जो हैं। इनको हम बड़े कनेक्टर्स जो हैं जहां पे हमें सोल्डिंग करने में प्रॉब्लम होती है वो कनेक्टर भी हमारे बड़ी आसानी से हम रिमूव कर पाएंगे इस तरीके से, आप देखेंगे। आप इससे कोई भी काम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का वो आसानी से कर पाएंगे, और इसका टेम्परेचर जो है कम ज्यादा आप सेट कर पाएंगे यहां पे। और इस तरीके से आप इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा कुछ मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने काफी कुछ बता दिया, बाकी आप इसको यूज करेंगे तो आप इसकी जो खासियत है उसको खुद से जान पाएंगे। बहुत अच्छा सोल्डिंग आयरन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहां पे इस तरीके का ये हमारा सोल्डिंग आयरन है। तो मैं समझता हूं कि ये सोल्डिंग आयरन आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।